हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो गीजर के ऊपर, जो कि पानी गर्म करने के लिए आता है और पाइप के साथ ही लगता है, जो कि गीजर हमारा ख़राब हो चुका है ओवर टेम्परेचर के कारण और सेंसर ख़राब होने के कारण। तो यहाँ पे जब भी सेंसर आपका ख़राब होगा तो एक चीज़, पानी लीकेज होने लगेगा। तो अगर पानी लीकेज होता है आपके साथ तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ भी। तो मैं इसको पहली बार रिपेयर कर रहा हूँ, अगर आप भी पहली बार रिपेयर करना चाहते हैं तो इसको इजीली आप रिपेयर कर पाएंगे। तो देखिए, ये सेंसर वाला पानी जब ज़्यादा ओवरहीट हो जाएगा तो ये सेंसर जो है पानी को लीकेज कर देगा और आपका गर्म होने से बचाएगा और कुछ हानि होने से बचाएगा। तो अगर ये पानी अगर लीकेज का प्रॉब्लम आ रहा है आपके गीजर में तो ये दोनों सेंसर को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, पहले इसको लगा लेते हैं। ये एक सेप्टिक फीचर है, जो कि टेम्परेचर कितना कम से कम मुझे भी अनुमान नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्म होने के बाद इसका जो टेम्परेचर होने के बाद ये जो है पिघल के लीकेज हो जाती है और पानी का लीकेज का प्रॉब्लम आने लगता है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर कौन कौन सा सेंसर का चेंज करना पड़ेगा। दो सेंसर है, हो सकता है कि एक सेंसर ठीक हो और एक ख़राब हो, तो मेरे हिसाब से आप दोनों चेंज कर दें तो अच्छी बात रहेगी। तो चलिए फ्रेंड, दोनों का दोनों मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि दोनों में कोई एक फॉल्स रह ही जाए तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो। तो चलिए फ्रेंड, इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन का हमने फ़ोटो खींच के रखा हूँ, देख के ही कनेक्शन करेंगे। तो जब भी आप ऐसा नया चीज़ खोलें या नया चीज़ ओपन करें तो मोबाइल में फ़ोटो खींच लें कहाँ कहाँ से क्या कनेक्शन है, वो सारा चीज़ देख के आप कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं भी नया कर रहा हूँ, तो मैं फ़ोटो खींच के रखा हूँ और सारा चीज़ को देख देख के कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट मेरा यहाँ पर जुड़ेगा और एक पॉइंट उस जगह पर जुड़ेगा दूसरी वाली। तो चलिए फिर एक यहाँ पर एक यहाँ पर जोड़ लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ का था। तो अपना जो फ़ोटो खींचे होंगे ना फ्रेंड, सबका गीजर का कनेक्शन जो है अपने अनुसार ही होता है। और ये टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है रेगुलेट, तो कितना तक गर्म करना है उसका एक लिमिटेशन है। और ये दोनों पाइप जो है पानी इसमें जाता है और आता है और उतने के अंदर में गर्म होकर निकलता है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये सेंसर का प्रॉब्लम फ्रेंड हमेशा आते रहता है और ज़्यादा वो आने का है। जो फ्रेंड सावधानी अगर नहीं रखिएगा तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही आपके साथ, तो सावधानी रखना ज़रूरी है। ऐसा मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इसका भी चलते हो चुका है, मार्केट में इसका जो सामान है बहुत ही ज़्यादा मिलता है और जल्दी मिल जा रहा है और आने वाले दिनों में हर किसी के घर में देखने को भी मिलेगा। तो ये भी काम आप सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही काम आएगा। और कभी ना कभी कोई कस्टमर आ ही जाता है, तो कोई भी काम ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा देख देख के आपको करना पड़ेगा कहाँ से क्या कनेक्शन है। एक बार आपको टाइम लग जाए, लेकिन आने वाले दिनों में इसके लिए आपको टाइम ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड। तो हमने कनेक्शन को सारी चीज़ को देख देख के मैंने किया हूँ। एक सेंसर है और एक हीटर है। तो चलिए फ्रेंड, कुछ मिस्टेक ना हो जाए। तो ये दोनों सेंसर में एक टेम्परेचर सेंसर है और एक ऑटो कट रिले है। तो ऑटो कट कराने के लिए इसमें सारा सिस्टम लगे हुए है, जिससे कि वर्क गर्म ना हो, और ये दो लाइट दिया हुआ है। तो आप भी इसका इजीली कनेक्शन कर पाएंगे। तो जो भी नया कनेक्शन करें फ्रेंड, मोबाइल में फ़ोटो खींच लें कि पहले कनेक्शन कैसा था। जैसे कि मैंने भी यहाँ पे मोबाइल में फ़ोटो खींच के रखा हूँ और ऐसे ही कनेक्शन को देखते हुए यहाँ पे कनेक्शन को किया हूँ सेकंड बार में, ताकि कोई गलती ना हो जाए बाद में कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पर था। तो फ्रेंड चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं। ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पे न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।